राम राम भी सभी को। यूएस के अंदर इलेक्शन का माहौल चल रहा है, नवंबर 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को काफी बड़ी लीड मिल रही है और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो प्रेसिडेंट बाइडेन हैं वो रिटायर हो चुके हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और उन्होंने एंडोर्स किया है कमला हैरिस को, जो आज की डेट में वाइस प्रेसिडेंट है। तो जो टक्कर होने वाली है प्रेसिडेंट ट्रंप, फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप एंड कमला हैरिस, इन दोनों के बीच में होने वाली है। ट्रंप के जीतने के बहुत हाई चांस है। और इसी दौरान एक बुक निकाली जाती है रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा, जिसका नाम लिखा गया है प्रोजेक्ट 2025। मतलब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो 2025 में क्या क्या डिसीजंस लेने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप या इसकी पार्टी, उन सभी डिसीजंस को इस बुक के अंदर कवर अप किया गया है। चाहे वो डिफेंस हो, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी हो, या फिर सोशल मैटर्स, या फिर इमिग्रेशन या इकोनॉमी। इमिग्रेशन सबसे बड़ा मैटर है, इमिग्रेशन के बारे में ही कवर अप करूंगा, बाकी जो मैटर्स हैं वो ज्यादा ही इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए इस टाइम पे। तो इमिग्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल एंड तक देखना। इमिग्रेशन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सिर्फ फोकस इमिग्रेशन के ऊपर ही करूंगा, बाकी पैरामीटर्स हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो इंटरनल मैटर है। जो इंडियंस लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो यहां आना चाहते हैं या फिर यहां पे हैं ऑलरेडी, उनके लिए इम्पोर्टेंट है इमिग्रेशन। इस बुक के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि इमिग्रेशन हम नहीं चाहते, वी डोंट वांट एनीबॉडी टू कम टू यूएसए। सबसे पहली बात यह है कि इनका टारगेट है इलीगल इमिग्रेशन को बिल्कुल बंद करना, क्लोज बोथ द बॉर्डर्स, मैक्सिकन बॉर्डर भी और कैनेडियन बॉर्डर, दोनों बॉर्डर को बिल्कुल सील करना है। नोबडी शुड बी एबल टू एंटर इनसाइड अमेरिका फ्रॉम द बॉर्डर। इलीगल तरीके से कोई भी एंटर ना करे यूएस के अंदर, ऐसा इनका प्रावधान है और ये करने वाले हैं, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तब भी उन्होंने मैक्सिकन बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया था। और जो लोग यहां पे आएंगे, इस बुक में क्लियरली लिखा गया है, जो लोग आएंगे उनको बहुत भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। जो इलीगल तरीके से एंट्री करेंगे उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, उनको पेनल्टी फाइनेंशियल पेनल्टी देनी पड़ेगी और कुछ महीनों के बाद उनको या तो जेल में रखा जाएगा या फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे उन्होंने बहुत सारी फ्लाइट्स डायरेक्ट यहां पे डिटेंशन कैंप से भेजी थी, इंडिया में बहुत सारी फ्लाइट गई थी जो इलीगल लोग आए थे। पहली चीज है कि इलीगल इमिग्रेशन इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड कंप्लीटली। अगर कोई चाहता है यूएस में गलत तरीके से एंटर करने वाला, तो वो भैया इस चीज से दूर रहें, इस चीज से बचें, बहुत ज्यादा भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, अब अपन बात करते हैं लीगल इमिग्रेशन। जो ये प्रोजेक्ट 2025 है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें लीगल इमिग्रेशन भी बंद करना है। हम नहीं चाहते हम किसी को वीजा दें, वी डोंट वांट एनीबडी फ्रॉम अफ्रीका, एनीबडी फ्रॉम मिडल ईस्ट और एशियन कंट्री, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या फिर अफ्रीकन कंट्री से हो, कोई भी अमेरिका के अंदर ना आए। दैट्स व्हाट दे वांट। और ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चीज है, क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है, दिस इज कॉल्ड लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। अमेरिका को बेसिकली इमिग्रेंट्स ने ही बसाया है। सबसे पहले इमिग्रेंट्स आए थे यूरोपियन कंट्री से, आयरलैंड, स्पेन, फ्रांस, यूके, इन कंट्री से आए थे लोग और उन्होंने ही अमेरिका को बसाया है। अमेरिका इसमें, जो इस बुक के अंदर थोड़ा सा दोगलापन भी है, वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट सिर्फ आएंगे व्हाइट कंट्री से, जहां पे लोग व्हाइट है, मतलब गोरे लोग हैं, वही यूएस के अंदर माइग्रेट कर सकते हैं, किसी और कंट्री से माइग्रेशन हम नहीं करना चाहते। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड चीज है और ये कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ट्रंप एक साइड में बोलते हैं कि लीगल इमिग्रेशन हम प्रमोट करेंगे, लोगों को ग्रीन कार्ड भी देंगे, जो यहां पे बच्चे पढ़ेंगे उनको ग्रीन कार्ड देंगे उनकी क्वालिफिकेशन के साथ, डिग्री के साथ, लेकिन ये बुक है बिल्कुल हार्ड लाइन प्रपोज कर रही है। इसमें एक चीज क्लियरली लिखी गई है, जितने भी वीजाज हम देते हैं, चाहे H1B वीजा हो या L1 वीजा हो या किसी और कोई और टाइप का वर्क परमिट हो या स्टडी परमिट के बाद जब वर्क परमिट मिलता है, OPT जिसको बोलते हैं, ये सभी वन टाइम इनको दे दिया गया है, उसके बाद इनको रिन्यू नहीं किया जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये फ्यूचर होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी नाइटमेयर फॉर इमिग्रेंट्स, एनीबडी हु इज प्लानिंग टू माइग्रेट टू अमेरिका। अगर ये रूल बुक इम्प्लीमेंट हो जाती है 100% तरीके से, तो कोई माइग्रेशन नहीं हो पाएगा। और यह भी हो सकता है कि जो यहां पे लोग हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यस, वन मोर थिंग, बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है, जो इलीगल इमिग्रेशन है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में एंटर किया है उन्होंने पिछले कई सालों से, जो यहां पे हैं अभी,
अनडॉक्यूमेंटेड हैं या फिर जो इलीगल तरीके से आए हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बोला है कि हम मास डिपोर्टेशन करेंगे, ऐसा डिपोर्टेशन इस धरती पे किसी भी कंट्री ने नहीं किया होगा, और इस डिपोर्टेशन का जिक्र डिटेल में दिया गया इस बुक के अंदर। ये बुक है 925 पेजेस की है, बहुत बड़ी बुक है, एक एक चीज डिटेल में लिख रखी है और सारी की सारी चीज ऐसी है जो हार्ड है। दूसरी तरफ से जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, बाइडेन की पार्टी है, वो क्लियरली बोल रही है कि ये प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ये हमें इस देश को लेके जाएगा जहां पे डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, माइग्रेशन खत्म हो जाएगा और बहुत ज्यादा डार्क टाइम आ सकता है यूएस का। तो डेमोक्रेटिक पार्टी इसको कॉन्ट्रोवर्शियल बोल रही है, इसको बिल्कुल एक क्राइम के तरीके से दिखा रही है ताकि डोनाल्ड ट्रंप को लोग वोट ना करें। तो अब लोग डिसाइड करेंगे कि किसको पावर में लाना है। अब अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि ये यूएस सिटीजन्स किसको वोट देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को या फिर कमला हैरिस जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है डेमोक्रेटिक पार्टी की। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। बट अगर ये बुक इम्प्लीमेंट हो जाती है, इट्स गोइंग टू बी नाइटमेयर फॉर माइग्रेंट्स। ये फैक्ट है और यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। एक सजेशन है उन लोगों के लिए जो यहां पे आए हुए हैं, चाहे टूरिस्ट वीजा पे आए हैं या फिर बॉर्डर क्रॉस करके आए। आज की डेट में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप यहां पे फाइल अप्लाई करें, आपको वर्क परमिट मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलेगी, आप डॉक्यूमेंटेड रहेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब आपकी सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपका वर्क परमिट, ये दो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो गवर्नमेंट कैन डिपोर्ट यू एनी टाइम। उसके अलावा अगर आप माइग्रेंट हैं, चाहे लीगल माइग्रेंट हो या इलीगल माइग्रेंट, अगर आपने कोई क्राइम किया है, आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, आपने कोई अदर टाइप का क्राइम किया है जो एज पर रूल रेगुलेशन ऑफ अमेरिका जो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। इसलिए बिल्कुल रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ही यहां पे रहें और डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए, ओनली देन यू कैन सर्वाइव। और डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बहुत हाई चांस है और ये भी बहुत हाई चांस है कि इस बुक की बहुत सारी चीजें वो इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मास डिपोर्टेशन को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ही इज गोइंग टू डू दैट इन ए फैशन विच हैज नॉट बीन सीन इन हिस्ट्री। और ये मास डिपोर्टेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या ये यूएस की जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इसको परमिट करेंगे या नहीं करेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल एंड तक देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।